हेलो दोस्तों, कमाल के फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, अपने पंचायत के अंतर्गत जो कि कोड़िया पंचायत सचिवालय में आज वैक्सीन पड़ रहा है जो कि कोविड-19 का। तो आइए चलते हैं और वहाँ जाके लेते हैं हम वैक्सीन। तो आप ब्लॉग पर बने रहें। आप हमें देख रहे हैं, हम आ चुके हैं पंचायत सचिवालय के समीप और यहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है जो कि फर्स्ट डोज है। और आज हम भी अपने पंचायत के नज़दीक पहुँच चुके हैं और आज मैं पहला डोज लूँगा। तो आप ब्लॉग पर बने रहें और मैं वैक्सीन जो कि कोविड-19 का है जो पहला डोज मैं ले कर आता हूँ और इसके बाद आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तो तब तक ब्लॉग पर बने रहें। उससे पहले आप यहाँ का दृश्य को देख लें, क्या नज़ारा है। और ये देखिए सतमेवे जयते, और मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ का ये दृश्य को जो कि हमारे पंचायत के अंतर्गत है। पंचायत सचिवालय बहुत ही शानदार पंचायत सचिवालय है जो कि न्यू पंचायत सचिवालय है। और मैं यहाँ पे आया हूँ वैक्सीन जो कि कोविड-19 का जो कि फर्स्ट डोज पड़ रहा है। तो हम भी, मेरा दायित्व तो बनता है कि सुरक्षित रहें। तो आए हैं वैक्सीन का जो पड़ रहा है अभी हमारे पंचायत में, तो कोविड-19 का जो भी फर्स्ट डोज है तो मैं लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा ये डोज लेने के बाद कुछ रिएक्शन होता है या नहीं, तो मैं रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आप ब्लॉग पर बने रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन जी का बोलते हैं कार्ड है और हमने अभी वैक्सीन ले लिया है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन लेते वक्त कुछ उस तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ, हल्का सा चींटी काटने जैसा फील हो रहा था, लेकिन और कुछ कह नहीं। तो आप ब्लॉग पर बने रहें और दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग घर की ओर निकल गए। ये हमारे विजय बहुवाली जी हैं जो कि अच्छे खासे व्यंजनवादक हैं। मैं रूबरू कराऊंगा इनसे और मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे जो अभी वैक्सीन लेते वक्त किस तरह का आपका अनुभव हो रहा था, वो कम से कम दर्शक के साथ आप शेयर करें। कैसा अनुभव हुआ? देखिए, ऐसे मतलब फीलिंग मतलब ऐसा कुछ भी है नहीं। लोग कहते हैं कि ये मतलब थरथराहट थोड़ा सा आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा लगा। हाँ, कहने का मतलब हल्का सा गनगनी डर बन जाता है, डर बन जाता है। और डर बन जाता इनके है। साथ एक थोड़ा सा कॉमेडियन हैं और इनको भी इंजेक्शन लेने से पहले थोड़ा सा एक नंबर जाना पड़ गया। अगर आप एक नंबर नहीं समझते हैं तो ये क्लियर कर देंगे। वो तो रजिस्ट्रेशन के अनुसार से डर हो गया था, जो कि गए भी अब पता नहीं आगे का मैंने। और हमारे साथ बबलू भैया हैं क्योंकि वो आगे चल रहे हैं, वो देखिए। और उनसे भी थोड़ा सा दो शब्द सुनवाएंगे आप लोगों को और इसके बाद ब्लॉग को एंडिंग करेंगे। बबलू भैया अगर कुछ नहीं बोलिएगा तो आप कम से कम हाँ हेलो कर दीजिए। देखिए ये बबलू भैया, हम लोग वैक्सीन लेके जा रहे हैं अभी घर की ओर। आधा घंटा हम लोग का रेस्ट लेने के लिए बोला गया था, इसलिए हम लोग वहाँ पर रुके भी और निकले वहाँ से। तो
आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वैक्सीन भी लीजिए। हाँ, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अगर को भी जागरूक कीजिए लेने के लिए। हाँ, बबलू भैया का ये गाइडलाइन है कि आप अगर वैक्सीन ले लिए हैं तो दूसरे को भी आप उनको अवगत कराएं कि ये वैक्सीन लेना अनिवार्य है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।